मैजिशियन डेक में से सारे कार्ड्स को बाहर निकालते हैं और वो स्पेक्टेटर को हैंडओवर करते हैं। स्पेक्टेटर पूरे कार्ड्स को शफल करके मिक्स कर देते हैं और उसके बाद मैजिशियन को वापस हैंडओवर करते हैं। मैजिशियन इसमें से एक कार्ड स्पेक्टेटर को ऑप्ट करने को कहता है। स्पेक्टेटर इसमें से एक कार्ड ऑप्ट करता है और उसे खुद देख लेता है। मैजिशियन इस कार्ड को नहीं देखता है, स्पेक्टेटर इस कार्ड को देखता है और याद रखता है। मैजिशियन उसे कहता है कि इस कार्ड को आप यहाँ रख दीजिए। स्पेक्टेटर इस कार्ड को यहाँ रखता है और मैजिशियन डेक को कंप्लीट कर देता है और उसके बाद कुछ कट और डेक को कंप्लीट करने को स्पेक्टेटर को कहता है। स्पेक्टेटर इस तरह से डेक को कट करते हैं और कंप्लीट करते हैं और स्पेक्टेटर का कार्ड इस तरह से बीच में कहीं भी लॉस्ट हो जाता है। अब मैजिशियन स्पेक्टेटर को कहते हैं कि मैं एक एक करके कार्ड यहाँ डील करने वाला हूँ, आप अपने चॉइस कार्ड को अपने मन में सोचते रहिए और अपने मन में अपने चॉइस कार्ड को बोलते रहिए। स्पेक्टेटर अपने मन में अपने चॉइस कार्ड को बोलते रहते हैं। मैजिशियन एक एक करके इस तरह से कार्ड डील करते हैं और स्पेक्टेटर के फेस को देखते रहते हैं। मैजिशियन स्पेक्टेटर को कहते हैं कि आप और भी स्पीड में और भी जोर से अपने मन में अपने कार्ड्स को सोचिए, मैं आपके आईज को रीड करने की कोशिश करूंगा और आपके मन की बात को जानने की कोशिश करूंगा। इस तरह से मैजिशियन एक एक करके कार्ड्स डील करते हैं और स्पेक्टेटर के कार्ड को खोजने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से आखिरी कार्ड पर आके मैजिशियन रुक जाते हैं और कहते हैं कि आपका जो चॉइस कार्ड है वो ये आखिरी कार्ड है, नंबर 5 ऑफ क्लब्स। स्पेक्टेटर पूरी तरह से भौचक के रह जाते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक का ट्यूटोरियल मैं अभी आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये चैनल नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से बेहतरीन मैजिक्स मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इस ट्रिक को करने के लिए इस मैजिशियन के पास एक की कार्ड होना बहुत जरूरी है और वो की कार्ड बॉटम कार्ड होता है। जब स्पेक्टेटर डेक को शफल कर देते हैं और मैजिशियन को हैंडओवर करते हैं तो मैजिशियन को बॉटम कार्ड को ध्यान में ले लेना चाहिए, इसे देख लेना चाहिए। जैसे इस केस में नंबर 4 ऑफ हर्ट्स बॉटम कार्ड है। इसके बाद जब स्पेक्टेटर डेक में से किसी भी एक कार्ड को ऑप्ट करते हैं तो मैजिशियन उसे इस डेक के टॉप पे रखवाता है। इस केस में नंबर क्वीन ऑफ स्पेड्स स्पेक्टेटर का चॉइस कार्ड है और इस कार्ड को इसके ऊपर रखवाने के बाद मैजिशियन अपने की कार्ड को नंबर 4 ऑफ हार्ट्स को इसके ऊपर रखवाता है। इसके बाद डेक को जितने बार भी कट कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैजिशियन को देख लेना चाहिए कि अब उसका की कार्ड नंबर 4 ऑफ हार्ट्स नीचे ना आ जाए। और उसके बाद मैजिशियन एक एक करके कार्ड डील करते हैं और नंबर 4 ऑफ हार्ट्स जो उसका की कार्ड है उस कार्ड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसी के बीच में वो स्पेक्टेटर को कहते हैं कि आप अपने कार्ड को अपने मन में दोहराते रहिए, मैं आपके आईज को रीड करके उसे खोजने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैजिशियन का की कार्ड नंबर 4 ऑफ हार्ट्स आ जाता है तो उसका जो नेक्स्ट कार्ड है वो स्पेक्टेटर का चॉइस कार्ड होता है। तो मैजिशियन जहां पे नंबर 4 ऑफ हार्ट्स या फिर उसका की कार्ड आता है उसके नेक्स्ट कार्ड में आके रुक जाता है और कहता है कि मैं आपके आईज को रीड करके ये जान पा रहा हूं कि आपका जो चॉइस कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्पेड्स।